साक्षर भारत योजना के अंतर्गत देश के 26 राज्यों में जनपद पंचायतों के माध्यम से प्रेरकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई थी, जिनका मूल कार्य शिक्षा साक्षरता एवं स्वच्छता मिशन के तहत पंचायत स्तर पर कार्य करना था। परंतु 1 अप्रैल 2018 को प्रदेश भर के प्रेरक संघ की सेवाएं समाप्त कर दी गयी, जिसके विरोध में शिक्षक दिवस के दिन जिले भर के प्रेरकों ने सिवनी जिला मुख्यालय में एकत्रित होकर रैली निकाली और भीख मांगकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि प्रदेश सरकार अभी हाल ही में पढ़ना लिखना अभियान के तहत एक योजना चालू कर रही है, जिसमें हम सभी बेरोजगार हो चुके प्रेरकों को सम्मिलित कर सेवाएं लें। प्रदेश भर में 24,330 प्रेरक पिछले 6 साल से अपनी सेवा साक्षर भारत योजना के तहत दे रहे थे, परंतु अब वे पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। इस परिस्थिति में एक सम्मानजनक मानदेय एवं संविदा आधार पर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएं। प्रेरकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और भीख मांगकर विरोध दर्ज करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं सरिता ठाकुर, प्रेरक संघ लखनादौन उपाध्यक्ष हूं, और हम लोगों ने इसलिए भीख मांगा है कि हम सबसे पहले तो हम लोग की सेवा समाप्त कर दी गई है, तो इसलिए हम लोगों को सेवा में वापस लिया जाए और जो हमें बेरोजगार किया गया है हमें रोजगार से लगाए। विरोध हमारा इसका हो रहा है सर, आज वैसे भी शिक्षक दिवस है और आज ही के दिन यूपी में हमारे प्रेरकों पर लाठीचार्ज हुई थी, ऐसा काला दिवस मना रहे हैं हम, और सरकार ने 31 मार्च 2018 के बाद हम लोगों को बेरोजगार कर दिया। हम लोगों ने 6 साल इस योजना में कार्य किए हैं, साक्षर भारत योजना में, और 2,000 रुपये के न्यूनतम मानदेय पर कार्य किए हैं। 18 मार्च 2018 से हमको बेरोजगार कर दिए हैं, ना ही भारत सरकार से ना ही मध्य प्रदेश सरकार से हमारे लिए कोई गाइडलाइन आ रही है, इसका हम लोग आज यहाँ विरोध कर रहे हैं। सिवनी से संजीव प्रदिया की रिपोर्ट।